आज हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले कम्युनिकेशन सिस्टम। इससे एक क्वेश्चन है, फोर्थ नेवी में आ ही जाता है कम्युनिकेशन सिस्टम। वेरी सिंगल चैप्टर है, नंबर का नहीं चैप्टर है। पहले बात तो कम्युनिकेशन सिस्टम होता क्या है। कम्युनिकेशन सिस्टम मोबाइल हो गया, मोबाइल टीवी, ये सब काम कैसे करते हैं, हर किसी को पढ़ना है। इसमें क्या एक चीज़ कुछ टर्म है, पहले आपको इंट्रोड्यूस कर दूँ। जैसे ट्रांसमीटर क्या होता है। ट्रांसमीटर कुछ एक अकेली चीज़ नहीं होती, ट्रांसमीटर कुछ चीज़ों से मिलकर बनता है। जैसे क्या हो गया, ट्रांसड्यूसर हो गया, मॉड्यूलेटर हो गया, एम्पलीफायर हो गया, ठीक है, एम्पलीफायर एंड ट्रांसमिशिंग एंटीना, ट्रांसमीटिंग एंटीना हो गया, ठीक है। ट्रांसड्यूसर क्या होता है, पहली बात ये, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर। ट्रांसड्यूसर क्या होता है, तो ट्रांसड्यूसर क्या होता है, साउंड सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल को सिग्नल और वाइस वर्सा, ठीक है। मतलब क्या है, साउंड सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में और इलेक्ट्रिकल सिग्नल को साउंड सिग्नल में। हम मोबाइल में बोलते हैं साउंड है, साउंड सिग्नल को उसमें क्या किया, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया, इलेक्ट्रिकल सिग्नल से कन्वर्ट करके दूसरी जगह पूछा, दूसरी जगह इलेक्ट्रिकल सिग्नल से वापस वो साउंड सिग्नल में सामने वाले को सुना। तो ये काम कौन करता है, ट्रांसड्यूसर करता है, ठीक है। तो मॉड्यूलेटर क्या होता है, सेकंड नंबर है मॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर क्या होगा, अब जैसे मैंने बोला, मैंने बहुत कम, मेरी जो पावर है इतनी थोड़ी ना है कि मैं 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर दूर आदमी को सुना लूँ। तो मेरी जो वेव, एक साउंड वेव, उस वेव को मतलब ऑडियो वेव है ना, वो ऑडियो सिग्नल वेव। तो मिक्स, ये मॉड्यूलेटर क्या करता है कि जो हाई फ्रिक्वेंसी ऑडियो वेव है उसके साथ मेरी ऑडियो वेव को मिक्स करेगा, वहाँ तक लेके जाएगा, और वहाँ पर जाके फिर वापस उसको अलग भी कर देगा। वो अलग प्रोसेस होती है, वो मॉड्यूलेशन नहीं होता काम, वो भी मॉड्यूलेटर कर देता है। तो मॉड्यूलेटर क्या होता है, जो साउंड लेस फ्रिक्वेंसी वाली वेव रहती है उनको सुपर नॉइज हाई फ्रिक्वेंसी के साथ करके सिग्नल को पहुँचाना होता है। तो मिक्सिंग ऑफ ऑडियो सिग्नल, इसका मतलब मिक्सिंग ऑफ ऑडियो सिग्नल हाई फ्रिक्वेंसी, लो फ्रिक्वेंसी, लो पावर टू हाई पावर, ठीक है। ये अब तीसरे नंबर पे क्या है, एम्पलीफायर। एम्पलीफायर क्या होता है, एम्पलीफायर अपने साउंड में ज़्यादा पावर नहीं होती, तो बूस्टिंग ऑफ पावर, बूस्टिंग करता है, पावर बूस्ट करता है। जैसे कि बूस्टिंग ऑफ पावर, जैसे देखा माइक वाइक में लगे रहता है, तो जो इनका एम्पलीफायर रहता है, हम धीरे बोलते हैं, लेकिन माइक में जाने के बाद जो आवाज़ होती है वो बहुत बूस्टअप करके आती है। तो वही काम होता है, उसी को एम्पलीफायर बोलते हैं। उसका वर्क क्या होता है, बूस्टिंग करना, जो हमारी ऑडियो फ्रिक्वेंसी है उसको, ऑडियो वेव है, ऑडियो उसको बूस्टअप करके। तो इससे क्या होगा, हमारी आवाज़ ही वो दूर तक जाएगी और तेज़ सुनाई देगी। अब ट्रांसमिशिंग एंटीना क्या होता है, जैसे हमने कोई सी, ये मॉड्यूलेशन हो गया, मॉड्यूलेशन क्या हो गया, अब ये हाई फ्रिक्वेंसी वेव के साथ चला तो गया, लेकिन इसको बीच बीच में कहीं रुकने की जगह पड़ेगी। ऐसा तो है नहीं कि वो यहाँ से डायरेक्ट, बहुत दूर है, 1000 किलोमीटर है, तो वो डायरेक्ट वहीं पर पहुँच जाएगा। इसको यहाँ पर क्या, ये ऐसे टुकड़ों में जाएगा, तो ये टुकड़ों में ये ऐड है, ये एंटीनाज है। एंटीनाज पे क्या, जैसे यहाँ से गया वहाँ तक जाएगा, तो क्या होगा, यहाँ अगर डायरेक्ट जा सकता है, अगर डायरेक्ट जाएगा तो उसकी पावर कम होगी ना। लेकिन अगर यहाँ से रुका, तो यहाँ रुका एनर्जी स्टोर करी, यहाँ रुका एनर्जी स्टोर करी, यहाँ रुका एनर्जी स्टोर करी, वहाँ रुका एनर्जी स्टोर करी, तो यहाँ से क्या होगा कि हमारा पावर कम नहीं होगा। एक होगा कि पहाड़ी इलाकों में ये कम होते हैं, तो वहाँ अपन डायरेक्ट जाते तो सिग्नल बार बार कटता है, क्योंकि उसकी पावर कम होती है, कनेक्शन कटता है। तो इसलिए एंटीना जो क्या रहता है, एंटीना रहता है, वो सिग्नल इज रेडिएट, जैसे सिग्नल जो रेडिएट होता है इन इस पे, तो उसको बार बार एंटीना की मदद से आगे पहुँचाना, उसकी एनर्जी को कम, लॉस मतलब ना के बराबर लॉस होता है, ना के बराबर, ठीक है। इस जैसा हम बोलते हैं उससे उधर सुनाई देता है। डीमॉड्यूलेशन क्या होता है, डीमॉड्यूलेटर क्या होता है कि जो हमने मॉड्यूलेशन किया था कि हाई फ्रिक्वेंसी वेव के साथ हमारी साउंड वेव को उसमें लेके गया था ना, तो अब हाई फ्रिक्वेंसी वेव से लो फ्रिक्वेंसी वेव को अलग करने को ही मॉड्यूलेशन बोलते हैं। मॉड्यूलेटर का काम ही वही होता है कि जो हाई फ्रिक्वेंसी वेव से हमारी साउंड वेव जो है
मिक्सअप है उसको अलग करना। अब टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन देखो, टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन कितने कितने टाइप्स होते हैं, तीन टाइप्स होते हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड का मॉड्यूलेशन होगा तो फ्रीक्वेंसी और फेज कॉन्स्टेंट होगा, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होगा तो एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी कॉन्स्टेंट होगी, और एक होता है फेज मॉड्यूलेशन, फेज मॉड्यूलेशन होगा तो जो एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी वो दोनों कॉन्स्टेंट। हमारे एयरफोर्स में सिर्फ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन तक ही पूछता है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन आगे नहीं पूछता। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या होगा, एम्पलीट्यूड को वो मिक्सअप करेगा, एम्पलीट्यूड को मिक्सअप करेगा तो जो उसकी फ्रीक्वेंसी एंड फेज रहेगा, फ्रीक्वेंसी एंड फेज वो दोनों क्या रहेंगे, कॉन्स्टेंट रहेंगे। अब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में एक होती है मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज द रेशियो जो हम जो वेव को एम्पलीट्यूड मतलब मॉड्यूलेट कर रहे हैं एम्पलीट्यूड से, तो उसका चेंज इन एम्पलीट्यूड आ रहा है, करियर वेव का जो चेंज इन एम्पलीट्यूड आ रहा है ज़्यादा एम्पलीट्यूड वाले के साथ उसको एम्पलीट्यूड का, तो चेंज इन एम्पलीट्यूड उसमें जो आ रहा है और उसका जो ओरिजिनल एम्पलीट्यूड है, ओरिजिनल एम्पलीट्यूड उसी के रेशियो को मॉड्यूलेशन इंडेक्स कहते हैं। ये आता नहीं, बाकी एक इसका रेशियो जरूर आ जाता है उसको याद रखना। जैसे मान लो इसको अभी के लिए मैं के रख देता हूँ, तो ये ई मैक्स माइनस ई मिनिमम और ई मैक्स प्लस ई मिनिमम, ये रेशियो वो पूछ लेता है कि ये रेशियो किसका है, तो ये याद रखना मॉड्यूलेशन इंडेक्स का रेशियो, बाकी इससे ज़्यादा कुछ आता नहीं है। और ये बात भी याद रखना कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स का जो वैल्यू है वो लेस देन वन रखता है, लेस देन वन, लेस देन वन मतलब कि क्या है कि जो के मैक्स माइनस के मिनिमम की वैल्यू है वो लेस देन किससे रहेगी, के मैक्स प्लस मिनिमम की वैल्यू है। तो इससे क्या होगा कि जो डिस्टॉर्शन है वो नहीं होगा, डिस्टॉर्शन एक जैसे आवाज़ें बार बार सुनाई देना अलग अलग जगह से वो नहीं होगा, तो डिस्टॉर्शन नहीं होगा, तो के का वैल्यू लेस देन वन। वो पूछ लेते हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स में मॉड्यूलेशन इंडेक्स का वैल्यू क्या होगा, तो लेस देन वन होगा, ये बात याद रखना। अब स्पेस कम्युनिकेशन देखो, स्पेस कम्युनिकेशन मतलब जो मोबाइल वोबाइल जितने भी ये सब यूज़ हो, मोबाइल टी वी सब स्पेस कम्युनिकेशन से यूज़ हो रहा है। तो स्पेस कम्युनिकेशन में अलग अलग वेव अलग अलग प्रोपगेशन होती है, जैसे ग्राउंड पे ग्राउंड वेव जा रही है, स्पेस वेव जा रही है, स्काई वेव, स्पेस वेव सब अलग अलग। तो रेडियो टीवी सब ये जो वेव यूज़ करते हैं, जैसे रेडियो पूछ लेता है क्वेश्चन कि रेडियो में एंड टीवी में कौन सा ईएम वेव यूज़ करता है प्रोपगेशन, कौन सी वेव यूज़ होती है, तो वो कौन सी यूज़ करता है, रेडियो में तो रेडियो वेव ही, रेडियो के नाम से तो याद ही रहेगा रेडियो वेव, तो टीवी वी में माइक्रोवेव याद रखना, माइक्रोवेव का यूज़ पूछ लेता है कि माइक्रोवेव का यूज़ क्या होता है, तो वो ये आपको दे देगा ऑप्शन में कि टीवी, तो टीवी में यूज़ होता है माइक्रोवेव का, ठीक है। अब जो फ्रिक्वेंसी है ना वो कम रखते हैं, फ्रिक्वेंसी मतलब जो वेवलेंथ है ना वो बड़ी रखते हैं, इसमें वेवलेंथ बड़ी रखते हैं, जो फ्रिक्वेंसी है वो कम रखते हैं, फ्रिक्वेंसी कम रखते हैं, ठीक है। तो रेडियो वेव और माइक्रोवेव दोनों का वेवलेंथ बड़ा है, रेडियो वेव का तो सबसे बड़ा है, माइक्रोवेव का भी बड़ा ही। जैसे फ्रिक्वेंसी क्या होती है, जैसे यहाँ से कोई सी चली यहाँ तक लेके जाना उसको, यहाँ से वेव चली यहाँ तक लेके जाना, ठीक है। अब अगर उसका फ्रिक्वेंसी ज़्यादा रहेगा तो मतलब फ्रिक्वेंसी नंबर ऑफ टर्न यही तो होती है ना फ्रिक्वेंसी, अब वो यहाँ पे नीचे गया फिर नीचे गया फिर नीचे गया फिर नीचे गया इस तरह से जाएगा, तो इस तरह से कि बार बार उसका जो टच होगा तो यहाँ से उसकी एनर्जी जो होगी ना वो कम होती जाएगी, समझ रहे बात को, तो डिक्रीज होगा एनर्जी में, अगर फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होगी तो यहाँ से क्या, अगर फ्रिक्वेंसी कम वेवलेंथ ज़्यादा है तो एक यहाँ गया एक यहाँ नहीं पहुँच गया डायरेक्ट, तो जो एनर्जी है वो कम गई ना, एनर्जी कम डिक्रीज हुई, तो एक ये फॉर्म मतलब एक रिलेशन याद रखना कि जो एनर्जी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेंसी, अगर फ्रिक्वेंसी अगर बढ़ेगी तो एनर्जी जो है वेव की वो घटेगी, एनर्जी दूर जाने पे जो एनर्जी है वो घटेगी, बस इसको याद रखना है, अपने नोट में लिख लेना है इसको, एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेंसी, और फ्रिक्वेंसी किसकी है, वेव की फ्रिक्वेंसी, जो वेव हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब एक आता है ग्राउंड वेव प्रोपगेशन, पहला लिखेंगे ग्राउंड वेव प्रोपगेशन ये क्या होता है, ग्राउंड वेव प्रोपगेशन की जो जैसे अर्थ है तो एक एंटेना यहाँ है, तो इन दोनों के बीच में जो ग्राउंड वेव, यहाँ से ग्राउंड वेव स्पेस वेव से तो आएगा नहीं, यहीं से ग्राउंड वेव डायरेक्ट निकल जाएगी, तो ग्राउंड वेव प्रोपगेशन, इसके लिए जो फ्रिक्वेंसी याद रखना बस, फ्रिक्वेंसी जो होती है 250 किलो हर्ट्ज से 250 किलो हर्ट्ज तक फ्रिक्वेंसी को यूज़ कर, वो किलो नहीं लिखेगा,
तो 50 × 10³ ये होता ना 50 kW, और ये 250 1000 के हो गया। वैसे वो किलो में ही देगा वैसे तो, पर बाकी अगर कभी कभी हो जाता है वो किलो को ही लिखता, मिलियन इलियन को मेगा एगा को नहीं लिखता, वो किलो को ही लिख देता है। तो 10³ तो किलो हर्ट्ज, 50 kHz से 250 kHz तक वो फ्रिक्वेंसी यूज़ करता है ग्राउंड वेव प्रोपगेशन में, ग्राउंड वेव प्रोपगेशन। अब सेकंड जो आता है वो क्या है, स्काई वेव प्रोपगेशन। अब स्काई वेव प्रोपगेशन ये क्या है, स्काई वेव प्रोपगेशन ये इसी ये अर्थ है। तो यहाँ पे एक आइनोस्फीयर जो है, आइनोस्फीयर याद रखना, आइनोस्फीयर। तो आइनोस्फीयर से ये क्या रिफ्लेक्ट करके वापस आ जाती है, रिफ्लेक्ट करके वापस आ जाती है, मतलब कि इसका जो फ्रिक्वेंसी है वो यहाँ ग्राउंड वेव से तो ज़्यादा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। इसका फ्रिक्वेंसी याद रख लेना, इसका फ्रिक्वेंसी होता है 3 MHz, 3 MHz से 30 MHz, मतलब इतनी पावर होती है उसकी कि वो आइनोस्फीयर तक चला जाए, लेकिन इतनी पावर नहीं होती कि उसको भेद के आगे निकल जाए, मतलब उसको पेनिट्रेट करके आगे निकल जाए। तो जो फ्रिक्वेंसी होती है वो क्या होती है, 3 MHz से 30 MHz तक होती है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, देखो आइनोस्फीयर आए तो आइनोस्फीयर की जो लेंथ है वो याद रखना, मतलब कि वो उसका चौड़ाई है वो याद रखना। तो वो यहाँ से 80 किलोमीटर ऊपर है पहली बात, और 80 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक उसका रेंज है, ठीक है। अब स्पेस वेव प्रोपगेशन एक फिर आता है, स्पेस वेव प्रोपगेशन जो सैटेलाइट वेटेलाइट सब यूज़ होता है ना, वो स्पेस वेव प्रोपगेशन में जाता है, स्पेस वेव प्रोपगेशन। अब स्पेस वेव प्रोपगेशन का जो फ्रिक्वेंसी है, फ्रिक्वेंसी याद नोट कर लेना, मेरा थोड़ा ये रफ नोट है तो मैं फेयर नोट टाइप बना दूँगा। फ्रिक्वेंसी जो होगा, एफ मतलब फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी 30 MHz से 30 MHz 300 MHz तक, 300 MHz तक जाएगा। अब देखो एक टीवी के लिए यूज़ होता है, 4 TV टीवी के लिए जो फ्रिक्वेंसी यूज़ होती है ना, फिर पूछ लेता है टीवी के लिए कितना फ्रिक्वेंसी यूज होगा, टीवी के लिए 80 MHz, 80 MHz से 200 MHz फ्रिक्वेंसी यूज़ करता है। अब ये टीवी के लिए अभी हमने देखा था कौन सी वेव यूज़ होती है, टीवी के लिए माइक्रोवेव यूज़ होती है। देखो ये बात थोड़ा इनको नोट को रिवाइज कर लेना है, वो पूछ लेता है एक क्वेश्चन अगर इसमें से दिया तो वो यही पूछ लेगा कि टीवी में कौन सी यूज़ होती है, तो रहना था ये वो। एक रिलेशन होता है जो D=2HR, बस इसको इस रिलेशन को, ये कितनी दूर तक फैलेगा जो उसका रेंज है, मतलब कि वो जो सिग्नल वो कितनी दूर तक फैलेगा, वो डी इज इक्वल टू √2HR। ये एच क्या है, हाइट ऑफ एंटीना है, हाइट ऑफ एंटीना है, ये रेडियस ऑफ अर्थ है, रेडियस ऑफ अर्थ है, समझ बस इसको याद रखना है बस, D=2HR √2, समझ। अब देखो जियो स्टेशनरी सेटेलाइट क्या होती है, जियो स्टेशनरी सेटेलाइट वो होती है जो अर्थ के साथ रोटेट करती है। अब अर्थ के साथ रोटेट करती है तो वो जैसे अर्थ है अपनी, ये अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, तो जो जियो स्टेशनरी सेटेलाइट है वो भी वेस्ट टू ईस्ट ही रोटेट करेगी समझे। तो उनका जो टाइम पीरियड पूछ लिया, तो टाइम पीरियड इक्वल टू अर्थ होता है, तो अर्थ का कितना होता है 24 आवर, मतलब 24 आवर होता है, ठीक है। उसकी हाइट पूछ लेता है वो, तो हाइट जो है वो 36,000 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ सरफेस उसकी हाइट होती है, ठीक है। अब तीन जियो स्टेशनरी सेटेलाइट पूरे अर्थ को कवर कर सकती है। पूछ लेता है कि हाउ मेनी जियो स्टेशनरी सेटेलाइट विल कवर होल अर्थ, 3 जियो स्टेशनरी सेटेलाइट और 120 डिग्री के एंगल पर झुकी हुई, 120 डिग्री, एक यहाँ, तीनों 120 पूरे अर्थ को कवर कर लेगी। EM waves, अब EM waves क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, नाम से ही पता चल रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो अब देखो अब चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चेंज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड तो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा, और वो भी क्या हो, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ये देखो ये इलेक्ट्रिक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी वो यूं होगी, ये अलोंग एक्स एक्सिस है, ये अलोंग वाई एक्सिस है, ठीक है। तो अब ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, रिलेशन को याद रखना, कहीं भी भूलना नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। और इनका डायरेक्शन क्या होगा, ई इंटू बी, ई इंटू बी सर
ना तो ई की डायरेक्शन में होगा ना बी की डायरेक्शन में होगा, जो इन दोनों के जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी ना उस डायरेक्शन में होगा। जैसे मान लो अगर ये एक्स में है और ये दूसरी काय में है, ये क्या है जेड है, ई एक्स एक्सिस पे जा रहा है ना और जो बी है वो जेड एक्सिस पे है, तो इनका जो ई और बी का जो डायरेक्शन होगा, ई और बी का जो डायरेक्शन होगा वो वाई एक्सिस होगा। इसको ऐसा रटना नहीं है, बाकी वो इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा, ई एंड बी का परपेंडिकुलर, दोनों के जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन उसमें होगा। अब देखो स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है सी के बराबर, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है सी, जिसको सी भी बोलते हैं 3×10⁸ मीटर पर सेकंड, इतनी स्पीड होती है। अभी एक रिलेशन याद रखना, 1/μ0 अपॉन ε0। देखो μ0 ये डायरेक्ट रिलेशन पूछ लेता है वो कि 1/μ0 / ε0 क्या होता है, तो ये 1/μ0 / ε0 का होल अंडर रूट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, ये होता है। कैसे होता है वो आगे डेरिवेशन है, उसका कोई यूज़ नहीं है, बाकी ये रिलेशन याद रहना चाहिए, तुमको एग्जाम में डायरेक्ट पूछा था। अब एनर्जी जो होगी ईएम वेव्स की वो दोनों में होगी, ईएम वेव्स की एनर्जी इलेक्ट्रो फील्ड में भी रहेगी और मैग्नेटिक फील्ड में भी रहेगी, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड में भी रहेगी। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड में रहेगी, यू इलेक्ट्रिक फील्ड में रहेगी, वो 1/εr इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो मैग्नेटिक फील्ड में रहेगी वो 1/B²εμ0, ठीक है। एनर्जी पूछ लेता है वो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में कितनी एनर्जी है, तो 1/εr², मैग्नेटिक फील्ड में कितनी है 1/B²μ0, ठीक है। अब ईएम वेव कैरी मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम विद स्पीड, क्या क्या ईएम वेव कैरी करता है, ईएम वेव कैरी करता है मोमेंटम, पहली बात मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, इसको थोड़ा फेयर बना लेना, लीनियर मोमेंटम और स्पीड कितनी रहती है, स्पीड रहती है सी लाइट के बराबर। बाकी ईएम वेव्स का जैसे एक्सरे, रेडियो वेव, यूवी वेव, उनका यूज है वो दूसरे वीडियो में बता देंगे, बाकी इतने को पढ़ लेना, अच्छा ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है, थैंक यू।